नमस्कार, न्यूज टुडे आप पहुंचे हैं 17 नंबर वार्ड में। आपको बता दे 17 नंबर वार्ड यानी कि जीवन मोड़ इलाका, और यहां पर भी जो है वोटिंग शांति से चल रहा है। आपको बता दे 17 नंबर वार्ड में जो है दो बूथ है, 127 और 128 पोलिंग स्टेशन है। यहां पर जो प्रत्याशी हैं इस वार्ड में तीन उम्मीदवार हैं। तृणमूल कांग्रेस से शिखा दास दत्तो वो प्रत्याशी हुए हैं, बीजेपी से रेखा दास भावाल और फॉरवर्ड ब्लॉक से शेख नाजिया उस्मान, तीन प्रत्याशी इस 17 नंबर वार्ड से हैं। वोटिंग की प्रक्रिया जो है अभी भी चल रही है, लेकिन एक बड़ी खबर जो कुछ देर पहले ही जो है यहां की ईवीएम मशीन जो है वह खराब हो गई थी, जिसके कारण जो है कुछ देर के लिए वोटिंग की प्रक्रिया जो है बंद करना पड़ा था। फिलहाल वापस से जो है नया एक और ईवीएम लाकर जो है वोटिंग को जो है फिर से शुरू किया गया है। इस वक्त 17 नंबर वार्ड के 127 और 128 नंबर बूथ में हम लोग मौजूद हैं। यहां पर वोटिंग की जो प्रक्रिया है वह चल रही है। एक बार पूरा अंदर का दृश्य दिखाने के लिए अनुरोध करूंगा। आप सभी को बता दें यहाँ पर तीन प्रत्याशी हैं 17 नंबर वार्ड में, शिखा दास दत्तो, रेखा दास भावाल और शेख नाजिया उस्मान, तीनों के बीच जो है लड़ाई चल रही है यहाँ पर। माफ कीजिएगा, कुल तीन बूथ है यहाँ पर, और तीनों बूथ में जो है वोटिंग की प्रक्रिया इस वक्त शांति तरीके से चल रही है। यहाँ पर जो प्रत्याशी हुए हैं तृणमूल कांग्रेस के, बीजेपी के तथा फॉरवर्ड ब्लॉक के, उनसे हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे एक एक करके। बीजेपी के जो प्रत्याशी हुए हैं रेखा दास पवाल, उससे बात बोलिए कैमन चलते वोटिंग प्रक्रिया। वोट प्रक्रिया तो भले ही चलते, कोई असुविधा नहीं, सुस्त भाव चलते, লাগানো হয়েছে। हम लोग बात कर रहे थे रेखा दास भावल से, जो कि बीजेपी प्रत्याशी हैं। शिखा दास दत्तो, उनसे बात कर लेंगे। बोलते कैमन वोट होच्छे? खूब शांतिपूर्ण भावे वोट होच्छे। কত পার্সেন্ট পোল হয়েছে কিংবা এখনো তো সেটা সঠিক ভাবে ভেতরে এটা পোলিং হয়েছে এখনো কিছু জানা না, জানা যায়নি এখনো। ইভিএম মেশিন খারাপ হয়েছিল? হ্যাঁ, আধা ঘন্টা আগে সেই মেশিনটা খারাপ হয়েছিল, কিন্তু এখন আবার সেখান থেকে লোক এসে ওটা ঠিক করেছে, নতুন মেশিন দিয়েছে। নতুন মেশিন দিয়েছে, তাহলে তো ওই আগের মেশিনটাও থাকছে এখন আরেকটা। হ্যাঁ, আগের ওই যত পর্যন্ত ভোট হয়েছিল সেটাও কাউন্ট করে নিয়েছে সবাই, আর এখন হচ্ছে আবার নতুনটা শুরু হয়েছে। শান্তশিষ্টভাবে ভোট হচ্ছে। एकदम सही, जो हर वार्ड के तरह इस 17 नंबर वार्ड में भी जो है वोटिंग की प्रक्रिया जो है काफी शांति से हो रही है। यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे जो शेख नाजिया उस्मान है, वो जो कि फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी हैं, बोल रहे हैं किस तरह से वोटिंग चल रही है? जी, बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। मैं इनफैक्ट देख रही हूँ कि बुजुर्ग से बुजुर्ग भी आ रहे वोट देने के लिए, अपना कदम आगे बढ़ा रहे, तो इस बात की बहुत खुशी है मुझे। बोल रहे हैं शांति तरीके से हो रही है? जी जी, पूरी तरीके। कितना पोलिंग हुआ है कुछ मालूम है? जी, अभी तक कोई आईडिया नहीं। ईवीएम मशीन खराब हुआ था सुने? जी हाँ, हुआ था, पर जल्दी कदम भी उठा लिया गया उसके लिए, और अभी हालात सब अच्छे हैं। क्या प्रॉब्लम हुई थी मशीन में और क्या लिया गया स्टेप?
प्रॉब्लम, मैं तो बाहर थी, सबको देख रही थी, तो इतना मुझे नहीं पता, बट शायद कुछ वॉइस में प्रॉब्लम थी और कुछ एंट्री नहीं हो रही थी, बट तुरंत एक्शन लिया गया, तुरंत नई मशीन मंगाई गई, अभी अभी हालात सब कुछ बेटर है, बहुत अच्छी। पहले वाला मशीन भी है जी? नहीं, वो सील कर दिया गया। जी सील कर दिया जितते हैं। जैसा कि बता रहे तीनों ही प्रत्याशी शिखा दास दत्तो, रेखा दास भावाल और शेख नाजिया उस्मान, तीनों ही बता रहे हैं कि 17 नंबर वार्ड में जो है 3 पोलिंग स्टेशन है और तीनों में ही जो है वोटिंग की प्रक्रिया जो है काफी शांति तरीके से हो रही है। यहाँ पर एक बार फिर से दिखाने के लिए अनुरोध करूंगा, जो वोटिंग की प्रक्रिया जो है काफी शांति तरीके से हो रही है। मेल के लिए अलग लाइन किया गया है, फीमेल के लिए अलग लाइन किया गया है, तथा विभिन्न जो वार्ड है इस्लामपुर पौरसभा के अंतर्गत जिसमें कुल 63 प्रत्याशी जो है प्रतिद्वंदिता कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, उन सभी वार्ड में जो है फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से जो है वोटिंग चल रही है। साथ ही साथ बता दें आपको डालकोला से भी जो है अभी तक किसी तरह की कोई घटना की खबर नहीं आई है, वहां पर भी जो है शांति तरीके से वोटिंग हो रही है। साथ ही साथ कालियागंज में भी जो है वोटिंग काफी शांति तरीके से हो रही है। आज इस्लामपुर पौरसभा का कुल जो 17 वार्ड है, 17 वार्ड में कुल 53 पोलिंग स्टेशन है और टोटल जो कैंडिडेट है 63 है और टोटल जो वोटर है 44,202 है। डालकोला में जो टोटल पोलिंग स्टेशन है 37, कैंडिडेट टोटल वहां पर है 55, वार्ड है 16 और टोटल जो वोटर्स हैं 29,493 और इस्लामपुर डालकोला तथा कालियागंज तीनों ही जगह पर फिलहाल जो अपडेट आ रहा है शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। नेक्स्ट लाइव नेक्स्ट अपडेट के लिए आप लोग जुड़े रहिए न्यूज टुडे इंडिया के साथ, मेरे सह प्रतिनिधि दीप्त विश्वास के साथ, मैं राजस्थानी इस्लामपुर के 17 नंबर वार्ड से।